नए कृषि कानूनों को लेकर किसान 7 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कानून को लेकर तकरार की स्थिति है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं तो सरकार ने कानून वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान जहां कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में खड़ी हैं, तो वहीं केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार का साथ मिल गया है। पवार ने कृषि कानून को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से सभी पार्टियों में हलचल मची है। तो क्यों कहा पवार ने कि कृषि कानून को खारिज नहीं किया जा सकता? क्या पवार मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन महाविकास आघाड़ी भी इस बात पर सहमत है कि पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस भाग में संशोधन की मांग कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कानून से संबंधित सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा और जिन हिस्सों पर किसानों को ऐतराज है उनमें संशोधन बेहद जरूरी है। इसी के बाद इस कानून को महाराष्ट्र में लागू किया जा सकता है। पवार ने आगे कहा कि किसान पिछले 7 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और केंद्र के बीच डेडलॉक की स्थिति बन गई है। केंद्र को पहल करके किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्हें नहीं लगता कि महाराष्ट्र के विधानसभा में 2 दिनों के सत्र में ये बिल बहस के लिए आ पाएगा। अगर ये आता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यों को अपने यहाँ इस कानून को लागू करने से पहले इसके विवादित पहलुओं पर विचार करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र के इस बिल के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। कुछ दिनों पहले जहां पवार सहित विपक्षी लगातार मीटिंग कर रहे थे और तीसरे मोर्चे की खबरों में दम दिखने लगा था, तो अब पवार के इस बयान से नजर आ रहा है कि पवार सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद ही मोदी सरकार की मुखालफत करेंगे, यानी तीसरे मोर्चे की बात अभी जल्दबाजी है। वी लाइव की रिपोर्ट।